महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश व गुजरात के शमशान घाटों से आ रही डरावनी तस्वीरों को देखकर अलवर को चेतना होगा। नियमों का 100% पालन नहीं हुआ तो हालात यहां भी बिगड़ जाएंगे। अलवर जिले में कोरोना की पहली लहर की तुलना में 10% ज्यादा मरीज सामने आने लगे हैं। अधिक गंभीर मरीजों का अनुपात भी 2 गुना हो चुका है। अब मृत्यु दर भी धीरे धीरे बढ़ने लगी है। CHHO डॉक्टर ओपी मीना ने बताया कि अब कोरोना के मरीज आने का अनुपात बढ़कर 15% पहुंच गया है, जो पिछली लहर की दुकान में काफी ज्यादा है। इसी 1 अप्रैल के आसपास कोरोना संक्रमित का अनुपात करीब 1% ही था, जो 15 दिनों में बढ़कर करीब 15% हो गया है। हालात ये है कि रोजाना करीब 3000 सैंपल लिए जाते हैं, जिसमें से 10 से 15% कोरोना पॉजिटिव आने लगे हैं। बीच में एक दिन मरीज कम आते ही अगले दिन वापस 2 गुना हो जाते हैं। जिले में ऑक्सीजन के केवल 745 बेड हैं, इसमें से 206 फुल हैं। 1 अप्रैल के आसपास एक या 2 ऑक्सीजन बेड पर ही मरीज भर्ती थे। यही नहीं, जिले में 52 वेंटिलेटर हैं, इनमें से 15 पर मरीज भर्ती हैं। 1 अप्रैल को भी मरीज वेंटिलेटर पर नहीं था। ICU में 57 मरीज भर्ती हैं, 1 अप्रैल को ICU में भी मरीज नहीं थे। अलवर में रोजाना करीब 3000 से अधिक कोरोना सैंपल की जांच होती है। कोरोना की पहली लहर में जिले में रिकवरी रेट 99% के आसपास रही, जबकि अब दूसरी लहर में रिकवरी रेट 7% कम होकर 92 पर आ चुकी है। धीरे धीरे मृत्यु दर भी बढ़ने लगी है। कोरोना की पहली लहर में एक पॉजिटिव आने के बाद उसके परिवार में 1 या 2 सदस्य और पॉजिटिव आते थे, लेकिन अब दूसरी लहर में एक परिवार में पॉजिटिव आने के बाद उसके परिवार के 10 से 15 लोग संपर्क वाले लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। ना CMHO अलवर, आप सभी से करबद्ध अनुरोध करना चाहूँगा कि COVID-19 महामारी की द्वितीय लहर के साथ में संक्रमण की इतनी तीव्रता है कि जिसका आकलन कल्पना के आधार पर लगाना मुश्किल है। एक दिन में डबल, दूसरे दिन 4 गुना, 5वें दिन 10 गुना इस स्पीड से बढ़ रहा है, और इसी के साथ में जो संक्रमित मरीज हैं उनके अंदर तीव्रता भी आ रही है, रोग की तीव्रता आ रही है, गंभीरता आ रही है, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटलाइज होने की आवश्यकता हो रही है, उसे जीवन बचाने के लिए बेड की आवश्यकता हो रही है। उन सभी चीज़ों को अपन ध्यान में देखें और अभी सभी पिछले 5 दिन का भी आकलन करें तो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स के मैक्सिमम ICU भर चुके हैं। ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता अभी फिलहाल ठीक है, लेकिन आने वाले दिनों में किस तरीके से ये फुल हो जाए इसकी कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए आप सभी से अनुरोध रहेगा, COVID-19 की जो जंग है वो आपके स्तर पे है, आपके हाथों में है, आपके संयम में है। जो मुख्य रूप से शुरुआत की दौर से ही बताई जा रही है उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। समझदारी इसी में ही है। हम स्वयं, हमारे परिवारजनों को, पड़ोसियों को, समाज को, पूरी मानव जाति को हम तभी बचा सकते हैं जब हम स्वयं प्रोटोकॉल की पालना करेंगे और अगले को टोकेंगे। जिसने भी पालना नहीं किया उसे टोकें और स्वयं पालना करें। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि जब आप मास्क घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क लगाएं, मास्क पूर्ण रूप में टाइट हो, नाक और मुंह को कवर किए हो, और उस पर उसको टेस्ट करने का एक, जब हम उसको फुलाते हैं तो हवा इधर उधर से नहीं निकले, ऊपर से नहीं निकले, हवा सामने से निकले, और इस तरीके की उसकी प्रोटोकॉल की फॉलो करते हुए मास्क का धारण करेंगे। साथ ही जब हम किसी से मिलने जा रहे हैं तो उससे कम से कम 2 गज की दूरी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। ये 2 गज से कम की दूरी आपने धारित नहीं की है और मास्क भी लगा रखा है उनने भी और आपने भी सही ढंग से, तब भी कुछ पॉइंटों में चांस होता है कि संक्रमित हो जाएंगे। यदि आप में से कोई सा भी संक्रमित है तो, यदि कोई दुकान वाला अपने मास्क को सही ढंग से वियर नहीं कर रहा है तो उसको भी टोकें और स्वयं मास्क पहन के जाएं। 2 गज दूरी से कम बात करें। जो भी आप सामान लेके आ रहे हैं उस सामान को भी टच आपने जो किया है प्रॉपर रूप से, क्योंकि हो सकता है कि सुपर स्प्रेडर्स, सभी दुकानदार सुपर स्प्रेडर्स की श्रेणी में आते हैं। एसिम्टोमेटिक हुआ, संक्रमित हुआ तो वो संक्रमण आप घर पर ले आएंगे और वो उसको हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो जो भी सामान आप लेके जा रहे हैं पैकिंग वैकिंग उसकी खोलने के बाद प्रॉपर रूप से उनको और डिस्पोज ऑफ करें। साथ ही अपने हाथों को स्वच्छ, हाथों की स्वच्छता साबुन पानी से धोकर बनाए रखें, और नाक मुंह को टच करने से पहले, नाक मुंह आँख को टच करने से पहले हाथों की स्वच्छता बिल्कुल आप इंश्योर कर लें कि मेरे हाथ स्वच्छ हैं। और स्वच्छ का केवल एक ही तरीका है कि जब आप टच करने जा रहे हैं उससे पहले हाथ साबुन पानी से धो लें या एल्कोहल बेस जो है सैनिटाइज़र है उसका इस्तेमाल कर लें। COVID-19 महामारी से
बचने का एक दूसरा जो उपाय है प्रोटोकॉल की पालना करना पहला उपाय है। दूसरा उपाय है जो वैक्सीनेशन है। वैक्सीनेशन के लिए जब भी आपकी उम्र के अकॉर्डिंग आपका नंबर आए तत्काल रूप से आप पूर्ण धैर्य के साथ रजिस्ट्रेशन करवाते हो। कोविड 19 की प्रोटोकॉल को आप स्वयं को मेंटेन करनी है। आप ये सोचें कि कोई आप लाइन में लग रहे हैं और फिर आपको कोई बार बार टोक टोक के दूर दूर करे या कोई डंडे का इस्तेमाल किया जाए, इस तरीके की चीज़ों को आप मन में नहीं लाए। जब भी आप लाइन में लग रहे हैं तो क्यूज में लग रहे हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि हमें 2 गज की दूरी मेंटेन करनी है। वैक्सीनेशन शांति से करवाएं। वैक्सीनेशन के बाद में पैरासीटामोल टेबलेट लेने की आवश्यकता रहती है क्योंकि ज़्यादातर लोगों में हल्का बुखार थकान हो सकती है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। सभी वैक्सीन के साथ में ऐसा होता है, चाहे हम बच्चों में वैक्सीनेशन करवा लें, एडल्ट्स में करवा लें, चाहे अन्य किसी जैसे हेपेटाइटिस बी का भी मान लो, आप टिटनेस का भी मान लो, तो सभी वैक्सीनों में वैक्सीन साइट पर हल्का पेन और पूरे शरीर में थकान बुखार हो सकता है। वैक्सीनेशन के मात्र जो कॉन्ट्राइंडिकेशन है वो अपने जो माताएँ अपने बच्चों को दूध पिला रही वो हैं, गर्भवती महिलाएँ हैं। इसके अलावा अभी एज निर्धारण यदि होता है तो 18 साल से छोटे वाले हैं उनको भी अभी कॉन्ट्राइंडिकेटेड माना गया है। इन सारी चीज़ों के अलावा और अन्य प्रकार के लोगों को किसी प्रकार के कॉन्ट्राइंडिकेशंस की जरूरत नहीं है। केवल रिएक्शन जिनको होता है, पर्टिकुलर जो एंटीजन वैक्सीन के अंदर होता है, जो रिएक्शन होता है उसका पर्टिकुलर आपके पास कोई चार्ट हो, ग्राफ हो और रिपोर्ट हो तो उसको दिखा के आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, अन्यथा किसी प्रकार की कोई भी संदेह की जरूरत नहीं है। बहुत इफेक्टिव वैक्सीन है। पूरे ज़िले के निवासियों से मेरा निवेदन रहेगा संपूर्ण सही तरीके से मास्क का पहने, 2 गज की दूरी को मिनिमम मेंटेन करें, बिना वजह भीड़ भाड़ वाले जगह पर मार्केट में किसी भी जगह नहीं जाएं।